बोले सोनिहाल तो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली और बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाई हो। अभी हम सब लोग रेडी हुए हैं और हम जा रहे हैं सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए, क्योंकि आज दिवाली का दिन है। तो सबसे पहले बाबा जी के पास जाएंगे, मत्था टेकेंगे और बाबा जी के पास कैंडल्स जलाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखो क्या एंजॉय करते हैं। और आज शाम के लिए पटाखे भी आ चुके हैं, बाहर रंगोली बनाई जा रही है, प्रीति भी रेडी हो रही है, कीरत भी रेडी हो रहा है। तो चलो चलते हैं फटाफट और इंजॉय करते हैं। और आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था देखने। आपको जैसे पता है जब मेरा चैनल भी स्टार्ट नहीं होता, हम हमेशा जाते रहे गुरुद्वारे। और आज सुबह से ये क्या कर रहा है, सुबह से इसने पटाखे चलाने चालू करे हुए हैं और ये अपने क्या जला रहा है, पॉपअप जला के पूरी की पूरी जमीन को गंदा कर रहा है। हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड बंदी छोड़ दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग निकल चुके हैं घर से गुरुद्वारा साहिब के लिए। आपको जैसे कल मैंने बताया था कि मैं हिस्ट्री बताऊंगा दिवाली की, क्या हिस्ट्री है और बंदी छोड़ दिवस की क्या हिस्ट्री है। पापा ने मुझे बता दी थी। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर जो तो मेरी जनरल नॉलेज है और जो मेरे को नॉलेज है, जो मेरे को मेरे बुजुर्गों ने नॉलेज दी थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, अगर कहीं पे मैं गलत हूंगा तो मुझे करेक्ट भी आप लोग कर देना। तो जो दिवाली है ना, दिवाली मेन फेस्टिवल है एक तो सिख कम्युनिटी में और एक हिंदू कम्युनिटी में। तो जो हिंदू कम्युनिटी का है उसका जो हिस्ट्री है वो ये है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे रावण से युद्ध जीत के सीता माता के साथ, तो वहाँ पे दीपमाला की गई थी और उनका स्वागत किया गया था। तो इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। और जो सिख हिस्ट्री के अनुसार जो बंदी छोड़ दिवस जिसे कहते हैं, वो इस करके मनाया जाता है कि हमारे सिक्स गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को मीरी पीरी का मालिक भी कहा जाता है, और जिन्होंने अकाल तख्त साहिब की सृजना की थी, तो उन गुरु साहिब को ग्वालियर की जेल से जब रिहा किया गया था तो उनके साथ 52 राजों को भी रिहा किया गया था। तो जब 52 राजे थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी आप जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ ले चलो। तो गुरु जी ने 52 कलियों वाला चोला पहना था, तो वो 52 कलियों वाले चोले को जब सब लोगों ने, जितने राजे थे उन्होंने एक एक चोला पकड़ के गुरु साहब के साथ बाहर आए थे, तो वो सीधा दरबार साहिब में आए थे और वहां पे दीपमाला हुई थी। तो इस करके बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है। और एक कहावत भी है कि दाल रोटी कर दी दिवाली अमृतसर दी। तो ये कहावत भी बड़ी मशहूर है कि अमृतसर की दिवाली देखने वाली होती है, जो दीपमाला होती है दरबार साहिब में, जो आतिशबाजी होती है दरबार साहिब में, वो एक मतलब देखने वाली होती है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो है वो अमृतसर है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां है, बहुत सारी चीजें जो मुझे भी मालूम है अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपसे शेयर की है। और बाबा बुड्ढा जी हुआ करते थे एक, तो बाबा बुड्ढा जी वैसाखी को और दिवाली को सरबत खालसा का दीवान भी लगाते थे। तो मतलब काफी सारी हिस्ट्रीज है, तो जितनी मुझे नॉलेज है वो मैंने आपको बताई है। तो इस खुशी में हैप्पी दिवाली मनाई जाती है और इस खुशी में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। तो आपको एक बार फिर से वंस अगेन हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाई। और आज पूरी दिल्ली ना खाली पड़ी हुई है, मतलब टाइम हो गया ऑलमोस्ट 4:30-5:30, हम लोग गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, तो पूरे का पूरा हाईवे खाली है, मस्त गाड़ी चल रही है। अराउंड 20-22 मिनट में पहुंच जाएंगे गुरुद्वारे, मत्था टेकेंगे, और ये कैंडल जलाएगा, इसको कैंडल जलानी है। और ये भाई साहब पूछ रहे थे पापा दिवाली के कितने डेज के बाद गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आता है, क्योंकि इन भाई साहब को वहाँ पे टॉफी मिलती है खाने को और टॉफी मिलती है बांटने को। ये अपना बैग ही ले जाता है घर से पूरी टॉफियां भरने के लिए, कीरत ने स्काई शॉट जलाने हैं, ये सुबह से अपने पटाखे फोड़ने में लगा हुआ था, तो अब कह रहा है पापा घर पहुंच के स्काई शॉट जलाने हैं। और जो स्काई शॉट है ना, जब मामू दिवाली भी अगले साल की दिवाली में, पिछले साल की दिवाली में, वो इतने पूरी बूढ़ी बढ़ के ले आए
और अभी जो हम लोग पहले गुरुद्वारे से जब वापस आएंगे तो घर पे आके कीरत भाई साहब के लिए जो हट्टी लेंगे उसमें हट्टी डालेंगे, अरदास करेंगे, बाबा जी की ब्लेसिंग लेंगे, बाद फिर मोजा ही मोजा क्या भाई लाइटिंग करेंगे अपने घर पे भी लाइटिंग करने के बाद कैंडल जलाएंगे बहुत सारे काम है मजेदार वाले। तो आज तो सिर्फ फनी फन है, मजा ही मजा है। ये गाड़ी में सिर्फ सोने आती है, ये देखो मस्त सो रही है और कहती है मैं बहुत थक गई, बड़े काम कर लिए। अब आप बताओ कौन सा काम इसने किया है। प्रीति गाड़ी में बैठे ऐसा हो नहीं सकता कि ये सोए ना, मस्त सो गई है। आंखें बंद कर रही हूँ, आंखों को रेस्ट दे रही हूँ। आंखों को रेस्ट दे रही है तो आपने मेरे को थोड़ा कुछ बोला, आंखों को रेस्ट दे रही है। आंखों को रेस्ट दे रही है, मेरी आंखें थक, इसकी आंखें थक गई है। आंखें देख के एक जगह देखती रहती है, आंखें थक जाती है। लोगों के पैर थकते हैं, लोगों के हाथ थकते हैं, इसकी आंखें थक जाती है क्योंकि काम ही आंखों से करती है। हाथ पैर तो हिलाती नहीं है ना भाई, वो पंजाबी में कहते हैं हड पैर तो हिलाने नहीं, अखी ते तकड़ियां तो भैया आगे रख जाती है। वैसे ये बहुत मस्त काम करता है। वो देखो कीरत पहले ही भाग गया हमसे मत्था टेकने के लिए। सतगुर बंदी छोड़ है, बंदी छोड़। वाहे गुरु वाहे गुरु। खूब सारी कैंडल जल रही है बाबा जी के पास। गाइस हमने मट्ठा भी ले लिया, प्रसाद भी खा लिया और सब कुछ कर लिया, कैंडल भी जला लिया और अभी हम जा रहे हैं घर। टॉफी भी मिल गई है, जल्दी से चलते हैं घर, आपको तभी मिलेगा। मुझे और कैंडल जलानी है, पापी आपको पटाखे भी जलवाने हैं। लेकिन सब कुछ तो टाइम टाइम में होता है ना, टाइम तो वेला ही है हम, मेरे पास तो वेला पन्ना है मेरे पास तो। टॉफी जल्दी भी जेब में डाल देता हूँ। तो कितना ही प्यारा व्यू है, देखो मजा आ गया आज। तो बाबा जी की ब्लेसिंग ली, मत्था टेका और उसके बाद कैंडल्स जलाई। कीरत ने तो बहुत ही एंजॉय किया। ये भाई साहब पता है क्या कर रहे थे, कैंडल्स को जाते थे कहते फूंक मार के बुझा दे तो हम फिर जलाऊंगा। इसने तीन चार बार ऐसे किया, करने के बाद मैं कहा चलो अब घर चलिए, मस्ती पे आया हुआ था आज। फिर कहता मुझे और कैंडल्स जलानी है, मैंने कहा जो बुझी हुई है ना उन्हीं को दोबारा जलाऊंगा। तो फिर घर जाके मैंने इसको बोला घर जाके भी हम लोग कैंडल जलाएंगे, तो तभी हम आना है, अब हम घर के लिए निकले हैं। तो अभी हम घर ही जा रहे थे तो प्रीति कह रही है नहीं पहले ना किसी रेस्टोरेंट से खाना पैक कराओ। तो अभी मेरी बात हुई है टीपीओ पे, वो कह रहे भैया आज हम अभी ओपन है, थोड़ी देर में क्लोज कर रहे हैं। तो उसको हमने ऑर्डर कर दिया एक बटर चिकन, दो प्लेट मटन चाँप और थोड़ी बहुत और चीज़ें, तीन प्लेट मटन चाँप और थोड़ी बहुत और चीज़ें बोली हैं, वो पैक कर दे। तो हम आ रहे हैं वहीं से, वो चीज़ें लेंगे पैक करके और सीधा घर की तरफ चले जाएंगे। रात के डिनर का जुगाड़ तो मस्त हो गया, कल की कल देखेंगे। क्यों भी क्या बोलती है प्रीति, भी खुश हो गई है क्योंकि इसको बनाना नहीं पड़ेगा ना। छुट्टी थोड़ी सी मिलने पर वैसे ही छुट्टी पे रहती है, पर कोई टेंशन नहीं, आज फिर छुट्टी पे हो जाएगी। इसको फुल कम्फर्टेबल जोन पर रखते हैं। टीपीओ पे पहुँच गए हम लोग, टीपीओ में गया, नीचे जाके उनको पेटीएम किया, पेटीएम करके बस उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठो, हम सामान भेज रहे हैं और ये भी क्लोज करने वाले हैं क्योंकि आज सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब जल्दी क्लोज हो जाते हैं। तो हमें यही था कि घर जाके कहीं दाल ना खानी पड़ जाए। प्रीति ने तो दाल ही बनाई थी, दाल में भरता बनाती, मैं प्याज व्याज करके, ये हमारा ही भरता बनाना था इसने। एक्चुअल में मेरे को रॉ चिकन मिला ही नहीं, मैं गई थी पूछने पर मिला नहीं और हमें कल बिल्कुल भी याद नहीं। तो इसने हमारा भरता ही बनाना था। तो अब हमने अपना काम फिट कर लिया है और मस्त घर जाके रोटी खाएंगे और पटाखे जलाएंगे और चिल मारेंगे। तो मुझे जलाएंगे, इसको जला दे, देखो जिस दिन जलाएंगे उस दिन तो बेनिफिट बड़ा मिलेगा मुझे। अगर पहले मेरे से पहले ये जल गई तो मुझे मिलेंगे 5,000, अगर मैं जल गया तो इनकी तो जिंदगी सवर जाएगी। तो मस्त सा खाना पैक होके आ गया, प्रीति के चेहरे पे स्माइल देखो, स्माइल देखो इसके चेहरे पे, हर एक को होती है यार, हर एक को होना हो तेरी ज्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, एक दिन तो मुझे भी मिलना चाहिए। एक दिन ये मत कर भाई, कहर आ जाएगा, बिजली गिर जाएगी ऊपर से। एक दिन गिरी 31 दिन, ऐसा होता है एक आधा दिन होता है जब घर में बनाती है।
अच्छा सबसे बड़ी अच्छी चीज मुझे ये लगी, दिवाली के नेक्स्ट दिन बच्चों की आई है छुट्टी। दिवाला होता है ना उस दिन, वैसे नहीं वर्किंग हो जाते हैं स्कूल, लेकिन पहली बार दिवाली के अगले दिन छुट्टी आ रही है। और एक नहीं कंटिन्यू दो तीन छुट्टी है। और हम तो भैया आजकल रोज पार्टी पार्टी और पार्टी हो रही है, लेट नाइट तक हमारी पार्टी चल रही है। हम कल 5 बजे सोए, कल सुबह 5 बजे सोए हैं पार्टी करके, और अब हम आज पता नहीं फिर पार्टी करेंगे, मतलब डेली चल रही है। 5 बजे सोए थे, 1 बजे तो दोपहर को सो के उठे हैं। क्यों भाई, मतलब मजे आ रहे हैं, फन ही फन है। इस बार दिवाली ने फुल फन फन रंगीन कर दिया है, क्योंकि 2 साल के बाद तो कोरोना के बाद दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, तो मजा तो अलग ही था, लेवल अलग है लेवल। और आज हमारे शैंकी का मीटअप है 4:30 बजे। काठमांडू के जितने लोग हैं वो जल्दी से उसका इंस्टाग्राम देखे, उस पर कैफे की लोकेशन दी हुई है, और भरपूर पहुंचो, और इस मीटअप को इंडिया वाले मीटअप से भी जबरदस्त कर दो, मजा आ जाना चाहिए, बस फुल फुल ऑन मजा, फुल ऑन। और एक चीज और, कल तो पार्टी में रात को अंकित भी आया, वो बेचारा कल रात को 2 बजे पहुंचा था, तो 3 घंटे एंजॉय करके चला गया, तो आज उसके रेस्टोरेंट की छुट्टी है, तो आज वो वहां से जल्दी आ जाएगा, तो वो भी कह रहा है मैं फुल ऑन एंजॉय करूंगा। और एक चीज आपको और बता दूं, उसने जो रेस्टोरेंट खोला है, कभी जाओ वहां पे टेस्ट वेस्ट करो खाना, उसका खाना भी बहुत अच्छा है, जो उसके नियर बाय रहते तो हैं। मजेदार है उसका, उसके जो नियर बाय रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली से उठ के चले जाओ, हम तो बहुत जो जो हम भी बहुत दूर है, हम भी एक दो बार ही गए हैं, तो बस जो सोना के आसपास रहते हैं वो जाके एंजॉय कर सकते हैं उसके रेस्टोरेंट। रेट्स भी बहुत अच्छी है और वैरायटी ऑफ फूड्स भी है, मस्त। ये थी मिसाइल। कौन सी मिसाइल? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर थी मिसाइल। क्या कह रही है? नहीं नहीं बता, था मैं जाके बनाऊं। प्यारा देख रहा है तू, कितना अच्छा, बहुत अच्छा मौसम है। तू क्या कह रही है, क्या हुआ बताना? स्टेन सा पड़ रहा है यार। क्यों पता नहीं यार, तो नींद पूरी नहीं हुई है। स्टेन पड़ रहा है भाई, एक्चुअली कह रही है मेरी ना यहाँ से नस खींच रही है, ये लोगों के नस से खींच देती है, इसकी नस खींच रही है, सच में दर्द हो रही है भाई। कीरत ने जो कुर्ता पजामा पहना ना यार, ये मेरा दिल ले गया, ये वाला कपड़ा, इसको कहते हैं बोस्की का कपड़ा, और ये इंडिया में नहीं मिलता, पाकिस्तान में मिलता है, वहाँ की बोस्की बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत अल्टीमेट कपड़ा है, जब डैडी गए थे ना तब लेके आए थे, अब हम जाएंगे ना तो मैं अपने लिए लेके आऊंगा ये वाला कपड़ा, ये अल्टीमेट कपड़ा है। मतलब डैडी, मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार बात, जब डैडी गए थे तो डैडी पूरा थान लेके आए थे, तो डैडी ने अमित शाह जी को भी प्रेजेंट किया था ये वाला थान। ये चाहते भी सोती है और आते हुए भी सोती है, मस्त हो रही है। देखो भाई इसको तो ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना चाहिए, ड्राइवर पीछे, ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहे होते हैं और ये पीछे सोएगी। ये घर से, घर में तो सोती नहीं है, क्योंकि घर में इसको मोबाइल पे इंस्टाग्राम भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, फेसबुक भी देखनी है, दुनिया जहान की चीजें देखनी है, काम कोई नहीं करना। फिर कहती है मेरी यहाँ पे जो नस है ना वो फड़क रही है, वो नस फड़कती है फिर ये हम पे भड़कती है। तो प्रीति उतर रही है हट्टी लेने के लिए। मैं हट्टी लेने उतर रही हूँ, इनसे दिए ले रही हूँ। मैं सिर्फ एक आज इन्हीं लोगों के साथ बार्गेनिंग नहीं करती, नहीं तो ऊंच नीच थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग मैं करती रहती हूँ। कह रही है इन लोगों के साथ नहीं, और इसको ये मैंने समझाया, मैंने इसकी ना ये बुद्धि में बुद्धि डाल दी है कि ये बहुत झूठ बोल रही है। नहीं हाँ कीरत बताया, तेरा ना बीच में बोलने का कोई राइट, उसको तुम खा रही है। मैं पापा, अगर मैं थप्पड़ मारूंगी पापा से, पापा कीरत को तुम खा रही है भाई, तुम खा रही हो, सच बोल रहा था। आप बोलो क्यों झूठ, अच्छा कीरत एक बोल ले तो बच्चे को क्या कह रहा है। हाँ बोलिए बेटा, पापा ने कहा था, पापा ने कहा था, पर मैंने समझाया, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। प्रीति ने भी मुझे आगे, मैं बोलने तो थे, प्रीति ने भी मुझे आगे हाँ बोला, मोनू हाँ मैं नहीं करूंगी, पर आज के दिन इनसे बिल्कुल भी नहीं करनी यार। आप लोग भी कभी मत बार्गेनिंग करा करो इन लोगों से, खास करके प्लीज। हट्टी ले ले, और कैंडल ले लेना। मैंने तो बोला कल, देखो यहाँ पे है गेट पे, इतनी दूर ले गए। ये बहुत बढ़िया है, अच्छी है। अच्छा ये 100 की है, ये 120 की, तो यही ले ले। पकड़ियो कीरत, ये कहाँ लगाएगा बेटा, अब तो लगा लिया क्या? ये 10 से 12 कह रहे हो? हाँ तो मेरे को ना 20 के कर दो, 24 दिए कर दो। तो अब हमने ले ली है हट्टी भी ले ली, दिए भी ले लिए, कैंडल भी ले ली, और लक्ष्मी जी के चरण भी ले, हाँ वो भी ले लिए, और अब हम जा रहे हैं हार लेने के लिए, क्योंकि बाबा जी की फोटो के लिए हार चाहिए, तो हार लेंगे और उसके बाद फिर वापस घर चलेंगे,
और रात हो चुकी है, टाइम हो गया है 6:30 और पटाखों की तैयारियां मस्त चालू है। और भैया आसपास तो ढोल भी बजने शुरू हो गए हैं, डिंग डिंगा डिंग डिंग। इस बार लग रहा है इस साल की दिवाली है मस्त है मस्त। ये कीरत दे रहा है लक्ष्मण भैया को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली लक्ष्मण। तो ये प्रभनूर ने बनाई है हैप्पी दीपावली की रंगोली। तो हम पहुंच चुके हैं घर, और घर आके सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हाथ वगैरह धो के सारी घर की लाइटें ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन लाइट सारी ऑन कर देनी चाहिए। और सब लाइटें ऑन कर रहे हैं, दिवाली पूरी जगमगाता रहना चाहिए घर। देखो 1 2 3 4 5 6 सारे घर की लाइटें ऑन। अब ड्राइंग रूम की भी ऑन करेंगे। और कीरत भाई साहब क्या कर रहे हैं, कपड़े चेंज करने जा रहे हैं। इन्होंने कुर्ता पजामा उतार दिया है, अब ये दूसरे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि पापा कुर्ता पजामे से मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, अब निक्कर पेंट पहनूंगा और पटाखे जलाऊंगा। और यहाँ की लाइटें भी कम है, यहाँ की लाइटें भी जलाओ। और लाइटें चल गई, अब चलेंगी ड्राइंग रूम की लाइटें, ड्राइंग रूम की भी जला के फुल फ्लैश रोशनी रोशनी हर तरफ रोशनी, बाहर भी घर के अंदर सब तरफ रोशनी कर देनी चाहिए। और ये जल गई ड्राइंग रूम की भी सारी लाइटें, 1 2 all। प्रीति का इटली का झूमर भी जल गया। तो ये भाई साहब ने निक्कर शर्ट पहन के तैयार हो गए हैं। ये देखना ये भाई साहब को, ये क्या कर रहा है, ये चांप खा रहा है और नीचे बैठ के। मैंने पूछा नीचे क्यों खा रहा है, कह रहा मम्मी ने बोला नई चादर बिछिए नीचे बैठ के खाओ। मैं ये सही है भाई, मैं लगा रहा हूँ फोन चार्ज पे और व्लॉग एडिट करना शुरू कर रहा हूँ। प्रीति को बोला है तू अपनी तैयारी करिए, पूरा कड़ा प्रसाद वगैरह बना रही है और तैयारी करेगी, और उसके बाद अरदास वगैरह करेंगे, पाठ लगाएंगे। तो तब तक मैं आपके लिए व्लॉग एडिट कर देता हूँ, फिर वो वाला पार्ट एडिट करेंगे और अपलोड कर देंगे और मस्त एंजॉय मारेंगे। तो ये बन रहा है कड़ा प्रसाद, क्या बात, तो मस्त बाबा जी का प्रसाद मिलेगा अब तो घर पे भी। पहले गुरुद्वारे में खाया और अब कीरत घर पे मिलेगा। बाबा जी की फोटो पे हार चढ़ चुका है, दिए तैयार हैं, और ये दो प्यारी सी फोटो डैडी लेके आए थे गुरु तेग बहादुर साहब के, गोविंद सिंह जी के। ये पापा दादी बाकी फोटो में हार चढ़ा रहे हैं, फिर से दिख रहा होगा आप देखना, ये चल गया हार पापा तो पा रहे हैं, ये हो जाता है सीधा। दिवाली दी रात दीवे बालियन। अगर हर गोविंद रो सुबरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण चाहिए जिस जिठे सब जिठे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का नौ दिखावे था सब चाहिए दसवें। और ये रंगोली से कीरत ने अपना नाम लिख दिया है, और ये रंगोली मैंने बनाई है। अब कुछ भी चले मैंने बनाई, अब जलाए जा रहे हैं दिए, जल्दी से दिए जलाओ फिर पटाखे आएंगे। अब जलाए जा रहे हैं दिए, और दिए जलाने के बाद जल्दी से जलाएंगे हम लोग पटाखे। खूब सारे पटाखे आ चुके हैं, तरफ लाइटिंग की लाइटिंग हो रही है। प्रीति भी आ चुकी है दिए जलाने के लिए। हाँ आग ही लगाती रहती है, मतलब तो ऐसे ना खुद का हाथ जलेगा, फूको फूक मार, नहीं फूक क्यों मारती है तू, मार दे उसके हाथ में, मैं उसको भी पूछ रही हूँ। चल रहा है कैंडल जलाएंगे हम, चल गए सोनू वगैरह सब गुरुद्वारे गए हैं, और डैडी और प्रीति गए हैं मामा जी के घर पे कैंडल जलाने के लिए, और वो वहां से वापस आएंगे। तब तक मैं और कीरत जा रहे हैं पटाखे निकाल के सारे बाहर लाने के लिए, और पटाखे ला के बाहर सजाते हैं, और जैसे ही वो लगाएंगे तो आवाजें आएंगी कैसे कीरत, धूम 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 धूम। शरारती बच्चा है, देखो पटाखे कहाँ छुपा के रखे हैं इसने, मैंने नहीं पहले से ये। तो ये शरारती तांडव क्या करके ले आया, देखो कुछ डांस कर रहा है।
तो भाई साहब स्काई शॉट जलाने की तैयारी हो चुकी है। मुझे नहीं पता भाई, देख के चला। आग लगा रहा हूँ किरत, देख ले। ओ गया एक। अभी हमने 120 स्काई शॉट फोड़ दिए। क्यों भाई? भाई खत्म होने से ना ही ले रहे थे। ये भाई ये ले गया, चलते ही नहीं है। चलो ये भी स्काई शॉट टाइप ही है। ओ मामा गोली, हैप्पी दिवाली। ये ऊपर जाएगा। ओ भाई, ओए ओए, ये तो मजेदार चीज है यार। ये मजेदार चीज है, और ले गया हूं। बेटे मुंह पीछे करके चलाते हैं। ये है खलेरा बम, ये खलेरा मचा देते हैं बहुत ज्यादा। भाई मैं तो अब एक है भाई, हमने तो इतना चला दिया तुझे। ये दोनों फ्रेंड एक साथ ये फुल जड़ी जला रहे हैं। दिवाली में मस्तियां, पटाखे फोड़े और वाहेगुरु जी के बाद में मत्था भी देखा और मैं सोने जा रही थी। तो ये पेंट करता हूँ कि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, हर वीक की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय बाय बाय। और एक बार फिर से हैप्पी दीपावली, बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाई। बाय बाय टाटा। दिवाली बधाई।
मनाई मनाई दिवाली मनाई बाय बाय भैया आप सुनते बड़ा मस्त सीन थे बाय।